पर रवीना टंडन जी आई हुई थी इनके उद्घाटन में, ओपनिंग में। अच्छा है ना, एम्बुलेंस जा रहा है सायरन बजाते हुए, कोई साइड नहीं दे रहा है, इन गधों को कौन समझा यार, इसके अंदर किसी का जिंदगी है यार, साइड दे दो भाई मेरा, यहाँ किसी का जान है इस एम्बुलेंस के अंदर जा रहा है। मेरे भाई खुदा ना खास्ता जो ऐसा करते हैं, कहीं उनके साथ ऐसा हो गया तब हम लोग ऐसे करेंगे तो उसको कैसा लगेगा, क्या होगा भाई आपके पैर का, जिसे आप लटकाए हुए थे हम सटा देते हल्का सा तो मजा आ जाता ना आपको। आई थिंक विंड ब्लास्ट बहुत आ रहा होगा, दरभंगा भी अपना एक्सपेंड कर रहा है यार, बड़ा हो रहा है धीरे धीरे, बस ये है कि थोड़ा टाइम दीजिए इसको। तो फाइनली वीडियो ऑन है और साउंड क्वालिटी कैसा हमको साइड में होकर के चेक करना होगा। आई डोंट हैव वर्ड्स टू एक्सप्रेस माई फीलिंग्स, सॉरी माई इंग्लिश इज़ वेरी वीक बिकॉज आई एम CBSE का बालक। भैया कार चलाइए ना, 6:31 हो गया, हमको गार्सिया इंटरनेशनल के पास जाना है, तो चौधरी तो अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं, अभी हम लोग जा रहे हैं गार्सिया इंटरनेशनल होटल के पास, गार्सिया इंटरनेशनल होटल के पास, होटल में ही जा रहे हैं एक्चुअली। तो उसके पीछे का रीज़न क्या है, बिकॉज वो दरभंगा का सबसे ज़्यादा लग्जरी होटल वही है फिलहाल दरभंगा में आज के तारीख से, इसके अलावा और कोई दरभंगा में नहीं है इस वक्त तक तो नहीं है। तो गार्सिया इंटरनेशनल होटल जो कि विनय अंकल का है, अपने विनय अंकल का है वो होटल, बस वही है, वहीं जा रहे हैं। तो बस इतना ही, आपको क्या लगा और कुछ बोलेंगे? नहीं नहीं नहीं, आप गलत सोचे, हम कुछ नहीं बोलेंगे ऐसा। भीड़ जो है, ट्रैफिक जो है, ओ माय गॉड, इतना भीड़, इतना ट्रैफिक, क्या बोले हम, बहुत ज़्यादा ही भीड़ है, बहुत ही ज़्यादा। रोड का मतलब एकदम क्या बोले हैं कि कोई भी जब धार्मिक चीज़ होता है ना, तो जितने भी हम लोग के भाई बंधु हैं सबको आते हैं जुट करके, मतलब जिनको जैसे होता है, कोई पैदल आते हैं, चल के आते हैं, मतलब कोई साइकिल से आते हैं, कोई 2-व्हीलर से आते हैं, कोई 4-व्हीलर से आते हैं, मतलब ऊपर वाले ने, श्याम बाबा ने, ठाकुर जी ने, जितना जिसको जो दिया है ना वो उस चीज़ से आते हैं उनके पास। तो देख करके अच्छा लगता है कि मतलब सही है ना कि ठाकुर जी की स्तुति, उनके पूजा में सबको आ रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है। देख करके थोड़ा सही लगता है। चलो भैया मेरे आगे से मुड़ जाते हैं, इधर से तो मुड़ नहीं सकते हैं, टर्निंग ले लेते हैं आगे से, तो गार्सिया इंटरनेशनल होटल तो जाएंगे पर उसके लिए हमको लंबा यू टर्न लेना होगा, क्योंकि इधर से टर्निंग पॉसिबल नहीं है और डायरेक्टली हम जा नहीं सकते, बिकॉज रॉन्ग साइड हो जाएगा ना, इस साइड अगर हम जाएंगे ऐसे करके जाते हैं उधर से तो रॉन्ग साइड हो जाएगा, तो इसलिए सोचे हैं पूरा घूम करके जाएंगे उधर। वाह, बस यही है। और कुछ दिनों पहले रवीना टंडन जी आई हुई थी, जो कि एक्ट्रेस हैं बॉलीवुड की, बहुत फेमस, जानी पहचान, मतलब जानी मानी हस्ती है, तो वो इसी शोरूम के उद्घाटन में आई थी, टाटा शोरूम जो है, यस करके होगा ना, यशराज करके होगा, यशराज है, यशराज टाटा मोटर्स, तो यहीं पर वो आई हुई थी, यही है। दरभंगा भी अपना एक्सपेंड कर रहा है यार, बड़ा हो रहा है धीरे धीरे, बस ये है कि थोड़ा टाइम दीजिए इसको बड़ा होने में, क्योंकि बहुत दिनों से काम रुका पड़ा था इसका, अब जाके अचानक एक धक्का के साथ चालू हुआ है, एक झटका के साथ चालू हुआ है, थोड़ा सा तो बनता है वक्त लेना, यही कहानी है। आप लोग ऐसे हाइपर ब्रेकिंग मत कीजिएगा, क्योंकि इस गाड़ी में ABS है, तो हम कितना भी कृत्य करते हैं तो ABS बचा लेता है, विश्वकर्मा बाबा बचा लेते हैं हमको कि बउआ सुधर जाओ, हम हैं अभी फिलहाल लेकिन फिर भी सुधर जाओ, तो आप लोग ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि हर गाड़ी में ABS होता नहीं है, जिस तरह का ABS इसमें है एडवांस टेक्नोलॉजी का है थोड़ा सा, तो समझ जाइए, इस तरह का हाइपर ब्रेकिंग मत कीजिएगा। हाथ जोड़ के निवेदन,
हम करते हैं क्योंकि हमको अपने इस बुलेट बाइक पे बहुत भरोसा है, इसके ब्रेकिंग पे भरोसा है, इसलिए कर लेते हैं थोड़ा बहुत, पर आप ख्याल रखिएगा। आई थिंक विंड ब्लास्ट बहुत आ रहा होगा, और मतलब गाड़ी स्पीड में चल रहा है तो विंड ब्लास्ट आना बनता भी है, तो पता नहीं मेरा साउंड क्वालिटी कैसा क्या आप तक डिलीवर हो पा रहा होगा। तो बस अगर ऑडियो क्वालिटी ख़राब आ रहा हो तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। अगर बाबा के स्टाइल में बोले तो कौन से बिग बॉस वाले बाबा थे, उनके स्टाइल में बोले तो क्षमा प्रार्थी। हाँ, यही यशराज मतलब टाटा मोटर्स है, यहाँ पर रवीना टंडन जी आई हुई थी इनके उद्घाटन में, ओपनिंग में रिसेंटली अप्रैल में ही आई थी, 25 या 26 अप्रैल को आई थी, हमको ठीक से याद नहीं याद है मतलब आई हुई थी 25 या 26 अप्रैल को या फिर फेब में, हमको ठीक से याद नहीं है, वहाँ पर आई थी इतना पता है, डेट याद नहीं है, पर वो आई थी। ओके, क्या होगा भाई आपके पैर का, जैसे आप लटकाए हुए थे हम सटा देते हल्का सा तो मज़ा आ जाता ना आपको, आप तो एकदम नाग की तरह नाच डांस करना शुरू कर देते। तो चलिए यही था इस वीडियो में, ज़्यादा वीडियो को हम स्ट्रेच यानी लंबा नहीं करेंगे, न मारेंगे नहीं, तो वीडियो ख़त्म करते हैं। इस वीडियो में कुछ खास नहीं दिखा पाए उसके लिए क्षमा चाहते हैं, परंतु आप हमारी भी मतलब विविधताओं को समझें और थोड़ा सा हमें क्षमा करें, हम क्षमा चाहते हैं अपने कृत्य के लिए। ये कुछ ज़्यादा हिंदी बोल दिए, थोड़ा हिंदी शुद्ध हिंदी बोल दी, तो हम अपनी गलतियों के लिए क्षमा चाहते हैं कि हम थोड़ा सा लेट से आए जिस वजह से आपको दिखा नहीं पाए, पर कल पक्का प्रॉमिस रहा, कल आपको हम टाइम से लाएंगे, टाइम से दिखाएंगे, कल 2 बजे ही हम विजिट करते हैं, 2 बजे ही मतलब 2 बजे शुरू हो जाए, यही है हम ये चाहते हैं ना कि मेरे साथ मेरे सब्सक्राइबर्स यानी मेरे भाई बंधु सब कोई इस पुण्य के भागीदारी बने। इट डजेंट मैटर आप राम हो चाहे रहीम हो, इट डजेंट मैटर फॉर मी बिकॉज आप सब मेरी फैमिली हो। तो भाई ऊपर वाला सब एक ही है, ये कहने को है, इंसान बांटा है उनको अल्लाह में चाहे भगवान में, सब एक ही हैं। तो कथा आई थिंक जो मतलब है सबको सुनना चाहिए, सब तक एक मैसेज पहुंचना चाहिए कि भाई सावन के पावन महीना में मतलब कथा हर किसी को सुनना चाहिए। और गीता जो है, गीता ये सब आज भी हम लोग को डायरेक्शन दे रहा है, आज भी इतना मतलब इस युग में भी हम लोग को गाइड कर रहा है कि जीने का तरीका बताता है, हर एक सवाल का जवाब आपको गीता में मिल जाएगा। बस यही है एक छोटा सा एक इस बच्चे का मतलब क्या कहते हैं सपना है कि सबको सुने, सबको अपने दरभंगा को देखें, बस इतना ही। तो चलिए अब चलते हैं हम और वीडियो ख़त्म करते हैं, उम्मीद करते हैं आपको छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कोई सवाल या सुझाव या फिर नेक्स्ट किसी भी टॉपिक के ऊपर अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे, आप वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन खुला पड़ा है, तो नीचे जाइए कमेंट करके बता दीजिए, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा। तो फिर मिलते हैं आप सभी से फिर किसी अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम। अच्छा है ना, एम्बुलेंस जा रहा है, साइरन बजाते हुए कोई साइड नहीं दे रहा है, इन गधों को कौन समझा यार, इसके अंदर किसी का जिंदगी है यार, साइड दे दो, क्या नाटक बना के रखा हुआ है ये लोग। इसीलिए हमको कभी कभी अपने दरभंगा के ट्रैफिक रूल पे गुस्सा आने लगता है कि भाई मेरा यहाँ किसी का जान इस एम्बुलेंस के अंदर जा रहा है। एक है कि भाई हॉर्न सुनते रहो, कोई बात है चिचियाने तो क्या हो गया, अरे मेरे भाई खुदा ना खास्ता कहीं तुम्हारे साथ ऐसा हो गया, मतलब आप लोगों को नहीं बोल रहा हूँ जो ऐसा करते हैं, कहीं उनके साथ ऐसा हो गया तब हम लोग ऐसे करेंगे तो उसको कैसा लगेगा, ये सोचना चाहिए। जो रोड ब्लॉक करते हैं उनके बारे में, खुदा ना खास्ता भगवान ना करे कभी ऐसा हो, पर हो गया और जब एम्बुलेंस साइरन बजाएगा तब वो लोग साइड नहीं, तब आपको कैसा लगेगा आप ये सोचो। तो सही है, एम्बुलेंस को साइड दे देना चाहिए यार।